मॉड्यूल ट्वेंटी एट रिजिलियंस सो वेन वी टॉक अबाउट रेजिलियंस वी नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट वट वट इज़ रिजिलियंस रेजिलियंस इज एक्चुअली एनी वनज एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्राम द स्ट्रेस सो वट डज इट मीन कि जिस वक्त कोई भी इंडिविजअल किसी स्ट्रेस को फेस करता है वो वापस अपनी लाइफ की तरफ कैसे आता है आइदर ही और शी इज़ पॉजिटिवली कम बैक टू वड्स द लाइफ अगर तो वो पॉजिटिवली कम बैक टू वड्स द लाइफ करेगा तो हम ये कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ रिजिलियंट तो रेजिलियंस का मतलब ये है कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि लाइफ के अंदर जितने भी स्ट्रेस आते हैं उसको फेस करने की और उसको फेस करने की उससे खोप करने की किसी भी शख्स के अंदर जो एबिलिटी होती है इनबॉन एबिलिटी होती है उसे रिजिलियंस कहा जाता है लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसर्स आते हैं जो कि आपके इन्वामेंट से भी हो सकते हैं फैमिली स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं एकेडमिक स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं इसके साथ साथ वो हार्मोनल स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं तो वो सारे स्ट्रेसर्स जो कि हम अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे होते हैं उनको डील करने की एबिलिटी उनको आ, उनके साथ अच्छे तरीके से कोप करने की एबिलिटी जो है वो रिजिलियंस कहलाती है अब जो रिजिलियंस है आ, वो कंपाउंड होती है बेसिकली दो चीज़ों की एक जो कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक रेजिलियट शख्स के अंदर पाए जाते हैं और सेकेंडली कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी शख्स को रिजिलियंट होने के अंदर तो आ, जो गिन्स बर्ग था उसने सेवन सीज मॉडल दिया था और उसने ये कहा था कि इफ़ एनी पेरेंट और एनी टीचर वॉन्स देयर किड्स टू बी रिजिलियंट तो उसके लिए उनको उनके अंदर ये सेवन सीज जो हैं ये डेवलप करानी चाहिए अब ये सेवन सीज क्या हैं अब ये सेवन सीज एक तो चीज़ ये है कि इफ द पर्सन इज़ नॉट रिजिलियंट यू कैन वर्क ऑन दीज फैक्टर्स उस ताकि वो शख्स जो है वो रिजिलियंट बन सके द सेकेंड थिंग इज दैट दोज पीपल हु आर रेजिलियट दे आर एक्चुअली हैविंग दीज करेक्टरिस्टिक्स इन दमसेल्व्स ठीक है तो वी कैन यूज दिस सेवन कंपोनेंट्स इन आई द वे तो कम्पिटेंस वेन वी टॉक अबाउट द कम्पिटेंस तो कम्पिटेंस बेसिकली है क्या चीज़ कम्पिटेंस ये है कि द चाइल्ड हैज़ द सेंस दैट ही और शी कैन डू दैट थिंग अब एक बच्चा ये कहता है कि जी आ, मैं तो जाके जो है आ, कोई भी माउंटेन या जो हिल है उसको मैं उस पर मैं जा सकता हूँ अब उसका कह देना ज वन थिंग और उसका एक्चुअली वो कर लेना इज़ समथिंग डिफरेंट ठीक है जब वो वो चीज़ कर लेगा एट दैट टाइम वी सेट दैट पर्सन इज़ कम्पिटेंट तो जो रिजिलियंट लोग होते हैं दे एक्चुअली आर कम्पिटेंट एंड दे नो दैट दे कैन डील एंड हैंडल विद डिफरेंट स्ट्रेस क्यों क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहले भी ये कर चुके होते हैं देन द कॉन्फिडेंस ये जो रिजिलियंट लोग होते हैं दे आर मोर कॉन्फिडेंट why because they know that they are competent enough to deal with different life situations so because they have that competence that competence gives them the confidence to deal with different life situations then the connection they feel themselves very much connected with their social uh, circle like with their friends with their parents why because they know that they that these people can help them during the difficult time situation or diff during different stressors or they are also know okay, if these people are facing any problem during time or during life they can also help them during that difficult time period so they feel themselves more connecting with their social uh, relations then the character they know that what is right and what is wrong and they are capable टू मेक देयर ओन डिसीजन्स चूँकि वो वाइस होते हैं एंड दे थिंक दैम सेल्व दैट दे आर कंपिडेंट एंड दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर कोनेक्टिंग विद अदर पीपल सो इन दैट रेफरेंस उनका जो करेक्टर बिल्टअअप होता है uh, वो इस किस्म का बिल्टअअप होता है कि दे कैन मेक द राइट चॉइसिस और दे कैन मेक द वाइस चॉइसिस इन देम इन देअर लाइफ और बिकॉज जो उनका करैक्टर होता है उसकी बेसिस के ऊपर दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल फॉर लाइक टू हेल्प सम वन इन द टाइम ऑफ नीड तो उसकी वजह से दे फील दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स द वर्ल्ड तो जिस वर्ल्ड में वो रहते हैं दे फाइंड दैट इट इज़ अ बेटर प्लेस एंड दे आर ट्राइंग मोर टू हेल्प अदर पीपल तो इस तरह जो कंट्रीब्यूशन है वो भी वो उनकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होती है दैन दे आर केपेबल टू कोप विद डिफरेंट स्ट्रेस क्योंकि दे नो दैट दे आर कंपिटेंट एनाफ सो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि लाइफ के अंदर किसी भी किस्म का स्ट्रेस uh, आए तो दे आर एबल टू कोप विद दैट बाई यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम स्ट्रैटीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज देन द कंट्रोल इसी तरह इनके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इनको ये लगता है कि दे आर केपेबल टू कंट्रोल देयर वर्ल्ड रादर देन कि ये कहें ये कहें कि निजी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है एंड एवरी थिंग हैज़ बिन कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल एजेंट इनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो इंटरनल होता है एंड दे हैव द ट्रस्ट दैट दे आर केपेबल टू कंट्रोल सिचुएशन ठीक है तो इस तरह इनका जो कंट्रोल है वो भी इंटरनल होता है तो ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिफाइन करती हैं किसी भी रिजिलियंट शख्स अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी शख्स को रिजिलियंट बनाने में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें जो ख़ास तौर पर चिल्ड्रेन के ऊपर जो रिसर्च हुई भी है उसमें चाइल्ड आई को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है दे सेट के दो चिल्ड्रन हु हैव अ हाई आई लेवल एक्चुअली दे हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटीज़ जिसकी वजह से अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या स्ट्रेस आता है तो दे आर केपेबल टू तो कोप विद दैट थिंग तो हाई आईक्यू जो है एक तरह से फैसिलिटेटर होता है किसी भी लाइफ स्ट्रेस को आ, डील करने में इसके साथ साथ इनका इमोशनल रेगुलेशन इमोशनल रेगुलेशन क्या है कि द चाइल्ड हु इज़ एबल टू रेगुलेट और एवेल्युएट हिज और हर ओन टेम्परामेंट ऐसे बच्चे जो हैं जब डिफिकल्ट टाइम पीरियड आता है तो चूंकि इनको कंट्रोल होता है अपने इमोशंस पे सो दे आर केपेबल टू डील विद दैट सिचुएशन इन अ हम्बल मैनर अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिस दिस थिंग इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है अगर पेरेंट जो हैं वो बच्चे को नर्चरेंस जो है वो प्रोवाइड करें तो उसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा है उसका अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव है ठीक है बहुत सिक्योर किस्म का है तो उस सिक्योर रिलेशनशिप की वजह से और उस गुड सोशल सपोर्ट की वजह से द चाइल्ड थिंक हिम और हर सेल्फ कैपेबल टू डील विद डिफरेंट स्ट्रेस इसी तरह जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स का इफ़ दैट इज़ वेरी स्टेबल तो वो भी बच्चे को जो है एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और जो बच्चा होता है वो कैपेबल होता है टू कोप विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइफ स्ट्रेसर्स